हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अ करेंट आई इज प्रोड्यूस्ड। द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द सेम डायमीटर बट फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट नाउ इज, हियर वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की कॉन्सेप्ट एंड हियर the key concept will be given as energy of a photon, which is given as h into nu. Now question के according अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दो lenses दे रखे हैं। पहले convex lens दे रखा है। इस convex lens की जो focal length दे रखी है according to the question, that is 40 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इस पे लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको लाइट को इंसिडेंट करा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यानी यहाँ पे हमारे पास जो भी हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं उसके थ्रू जो इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है, उस इमेज का अगर हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे इंसिडेंट कराएं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो करंट का अमाउंट होता है वो आई के बराबर हमें यहाँ पे मिलता है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो हमने लाइट यूज की है, अगर हम उसको कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू यहाँ पे पास करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज बनेगी, उस इमेज को अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे इंसिडेंट कराते हैं तो जो करंट का अमाउंट होता है दैट इज गिवन इक्वल टू आई। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे सेम कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने इसकी जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे यूज किया है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो सेम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन अपर्चर होता है, अपर्चर का मतलब जितने पोर्शन से हमारे पास जो लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है, वो इस केस में भी सेम होगा। भले इसकी जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दी, इसकी जो फोकल लेंथ है पहले के कंपैरिजन में वो हमारे पास यहाँ पे कम हो गई, लेकिन यहाँ पे जो इसका कर्व बनेगा, जो इसकी डायमीटर बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो जब हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो उतने ही पोर्शन से हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगी, और इमेज की जो इंटेंसिटी होगी वो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सेम होगी। फोकल लेंथ का यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो इमेज हमारे पास यहाँ पे बनेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं बनेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे दोनों ही केस में इंटेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है उससे जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करेंगे फ्रॉम दी सर्फेस, यानी जो सर्फेस से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट करेंगे, उनका जो अमाउंट होगा वो दोनों ही केस में यहाँ पे सेम होगा। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम आ गए तो जो करंट का अमाउंट होगा वो पहले की जैसे ही हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी पहले कंडीशन में अगर करंट का अमाउंट आई था तो अभी भी हमें जो करंट का अमाउंट होगा वो सेम मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू आई। देयर विल बी नो चेंज ऑन द अमाउंट ऑफ द करंट। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।